Welcome once again. I hope you're all doing well. In this lesson, we will discuss the most important writing technique and theory coined by Ernest Hemingway: iceberg theory or omission theory. Basically, it's a writing style or writing technique coined by American novelist Ernest Hemingway. अब इस थेरी का नाम आइसबर्ग थेरी क्यों रखा गया है सबसे पहले आइसबर्ग को यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन के एक हमारे पास आइसबर्ग होता है जिसके ऊपर एक अपर लेयर होती है देन उसके अंदर एक डीपर लेयर मौजूद होती है जिसमें हम जब एक आइस बर्ड देख रहे होते हैं तो हमें सरफेस लेवल पर जो एक लेयर नज़र आती है जस्ट हम उसको देखते हैं और उसको जो हाँ, है आइडियलाइज़ करते हैं और उससे कोई भी अगर हम कोई भी एमिज देख रहे हैं लेकिन उसके अंदर डीपर लेयर क्या है कि एक आइस बर्ड के अंदर कितनी लेयर्स हैं क्या कुछ है वो सब हम तभी देख सकती हैं जब हम उस आइस बर्ड की अपर लेयर को जब हटाएंगे तो इन सेम केस इन दिस टेक्निक्स अर्नेस्ट हमिंग वे हमारे सामने एक ए, किसी भी टेक्स्ट को आइडेंटिफाई या उसका मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए एक, इस थेरी को हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जब हम कोई भी वर्क पढ़ रहे होते हैं तो हम उसमें एक डीपर एंड सरफेस लेवल का जो एक मीनिंग होता है उसको देखते हैं जैसे कि फोर्डीन एंड डिस कहा करते थे कि एक राइटिंग में जो है ए, म, ए, कोई भी अगर हमें मीनिंग देखना है तो उसके लिए हमारे पास या तो सरफेस

लेकिन एक डीपेस्ट लेवल क्या होता है वो कहते हैं कि किसी भी राइटिंग के अंदर जो है डीपेस्ट लेवल ये होता है कि आप उससे कौन से अंडरलाइन थीम फाइंड आउट करते हैं कि एक डीपर मीनिंग उस स्टोरी से आपको क्या मिल रहा है सरफेस पर तो वो आपको सिर्फ़ एक स्टोरी लाइन नज़र आती है एक शॉर्ट सा एक किसी भी करैक्टर का या किसी भी सोसाइटी के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी जाती है लेकिन उस स्टोरी के अंदर एक डीपर मीनिंग मौजूद होता है अनरस्टैंडिंग वे की जो स्टोरीज हुआ करती थी क्योंकि ये ये शॉर्ट स्टोरी राइटर्स भी थे इन्होंने अपना काम जो है एज अ न्यूज़पेपर एडिटर के तौर पर स्टार्ट किया देन इन्होंने इन 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 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी देन इनके नावल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल हैं और मैन द सी है फेयर टू द आर्म्स हैं इसी तरह इनके और भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल हैं अब इसके अंदर वो हमें क्या बताते हैं कि जब हम कोई नावल या कोई भी शॉर्ट स्टोरी इनकी पढ़ते हैं तो बेसिकली हम उस करेक्टर के बारे में कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन uh, लेते हैं कि ये करैक्टर है हमारी लाइफ के साथ रिलेट है लेकिन जब हम उसके डीपर मीनिंग के अंदर जाते हैं जब हम उसके आइस बर्ड को अंदर से तोड़ कर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसके अंदर हमारी ज़िंदगी का कोई भी इम्पोर्टेंट थीम मौजूद है गोटेड नेक्स्ट हम आइसपर्ब थेरी या उमिशन थेरी को नेक्स्ट साइकोलॉजिकल कंसर्न के साथ देखते हैं कि हमारे पास साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कॉन्शियस अनकॉन्श सब कॉन्शियस कहते हैं कि कॉन्शियस हमारा वो जो रिसेंटली हम सब कुछ कर रहे होते हैं तो वो हमारा कॉन्शियस लेवल होता है और अनकॉन्शियस जो हमारी इड होती है लाइक जैसे सिडमिन फ्राइड कहते थे कि हम अपनी बर्थ से लेकर डेथ तक जितना भी कुछ अपने माइंड में स्टोर करती हैं इट्स मीन के वो हमारे अनकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाता है तो अब ए... इसको इन्होंने किस चीज़ के साथ रिलेट किया है कि आइसबर्ग जो हमें जै, जैसे कि हमें ऊपर से एक लेर नज़र आती है तो वो ओनली टेन परसेंट हम देख रही होती हैं लेकिन नाइन्टी परसेंट उसके नीचे होता है तो इट्स मीन के जो कॉन्शियस हमें सरफेस लेवल पर दिखाई दे रहा है वो हमारा कॉन्शियस है जिसमें हमारी कुछ सिमिलर डिज़ायर्स हैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ सरफेस लेवल पर देखते हैं लेकिन कुछ ऐसी डिज़ायर्स हमारी अनफुलफेस वग़ैरह कुछ हमारे हिडन मैसेज़ होते हैं जो हम सिर्फ उस आइसबर्ग के नीचे ही देख सकते हैं जब हम उसको डीपली देखेंगे तो वो हमारा सब या फिर अनकॉन्शियस होता है तो यही चीज़ अर्नेस्ट टाइमिंग वे हमें बताना चाहते हैं कि जब आप किसी भी वर्क को सरफेस लेवल पर यानी कि उसके आइस के लेवल पर देख रहे होते हैं तो इट्स मीन के आपने वो चीज़ सिर्फ़ ऊपर से आइडियलाइज़ की है कि जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है लेकिन जब आप उसकी उसके अंदर यानी उसके गहराई में जाती हैं उसके हिडन मीनिंग तलाश करती हैं तो उससे आपको मालूम होता है कि इसके अंदर क्या कुछ कुछ है जो राइटर आपको बताना चाह रहा है तो सिंपली ये है कि नाइन्टी परसेंट जो भी नॉलेज होता है वो किसी राइटर के वर्ड्स के अंदर होता है जो हर राइटर रीडर्स पर सॉरी डिपेंड करता है कि वो उसको फाइंड आउट करे और उसके मीनिंग जो है उसे निकाले ना कि उसके सरफेस लेवल पर जैसे कि हमें डिस्क्रिप्शन जो होती है नो no डाउट कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम किसी भी राइटर का स्टाइल उसके वर्ड्स उसके वक़ाबलरी उसकी पंचुएशंस वग़ैरह इन सबको नहीं देखेंगे तो हम उससे नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये वर्क हमारे पास है क्या वो आ, मतलब रीडेबल है भी या नहीं अब इसके एग्जांपल के लिए हम एक वर्क लेते हैं ए, इस, इनका नावल है ओल्ड मैन एंड द सी अब बेसिकली इसके अंदर हमें क्या दिखाया गया ये एक कार एक नाविला है कार्टून अगर हम इसको देखें तो एनिमेटेड एक स्टोरी लाइक हमें दिखाई गई है कि एक मैन है जो फ़िश पकड़ने के लिए जाता है वो फ़िश पकड़ता है वो ओवरऑल डिटर्मिन रहता है कि वो फिश पकड़ेगा और वो लेकर आता, आता है जब आता है तो सिर्फ जस्ट उ, उसका स्कैलजन होता है ये इन शॉर्ट इस नावल की समरी तो अब उसके अंदर हमें बेसिकली हमने क्या देखा कि जो मैन था वो गया और वो फिश लेकर आता है जब उसको नहीं पकड़ पाता क्योंकि शार्प्स उसका जो हां फिश का फ्लैश खा लेती है लेकिन जब हम उसको अब वहां पर हमें एक सी दिखाया गया है अब सी के ऊपर क्या कुछ था संत्यागो था जो सी के ऊपर दिखाई दे रहा था जो अपनी बोट में से वहाँ पर था कुछ बर्ड थे लेकिन वो तमाम हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ वो तमाम वरीज हार्डशिप जो डिज़ायर्स होप सब कुछ वो कहाँ था वो इस समुंदर के नीचे था इन फॉर्म ऑफ फिश जो जो पकड़ने संत्यागो आया था यानी कि अंडरस्टाम वे का मेन कंसर्न ये है कि हम जो कुछ भी दिखा रहे होते हैं वो हमारा मेन कंसर्न नहीं है वो हमारा मेन कंसर्न वो होता है कि जो आप उस चीज़ से आइडें फाई करेंगे और यही जो है एस वर् थेरी है बाय अनस्टैंडिंग वे के आई होप आप इस थेरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग अ गुड डे।